एक हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। तो फाइनली आइए जानते हैं सनी देओल के सी मच अवेंटेड व न्यू अपकमिंग मूवी गदर 2 के बारे में, जिस मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और आज के दिन इसी मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर को भी बहुत जोर शोर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आउट कर दिया गया है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आते ही जोर शोर के साथ धमाल मचा रही है। और साथ में ही सनी देओल इसी मूवी के पोस्टर में हाथों में बहुत बड़ा सा हथौड़ा लिए हुए सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं और बहुत ही धांसू लुक में नजर आ रहे हैं सनी देओल सर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सनी देओल के इसी मच अवेंटेड व न्यू अपकमिंग मूवी गदर 2 का नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक के प्रत्येक दर्शक को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। और साथ में ये मूवी बहुत ही कमाल की और शानदार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वहीं कुछ दिनों पहले सनी देओल के इसी मूवी के टीजर को आउट किया गया था, जिस मूवी के टीजर में ये हाथ में किसी रथ का पहिया लिए हुए सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे थे। और आज के दिन इसी मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर को आउट कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी कैसे होने वाली है, और रिलीज होने के बाद ये मूवी इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी या नहीं मचाएगी? अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस मूवी को इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के माने जाने डायरेक्टर अनिल शर्मा के निर्देशन में बनाया जा रहा है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम इसी मूवी को 2023 की सबसे सुपर डुपर हिट मूवी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी रिलीज होते ही न जाने कितने बॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी फिर एक बार पाकिस्तान में बहुत ही जोर शोर के साथ धमाल मचाने वाली है। जो मूवी देश के ऊपर आधारित मूवी होने वाली है, और इसी मूवी में बाल कलाकार उत्कर्ष शर्मा भी इनके बेटे का रोल लीड करते हुए नजर आएंगे। जिस मूवी को पूरे 300 करोड़ के लागत और मेकिंग बजट के साथ बनाया जा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी पैन इंडिया लेवल की मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इसी मूवी में विलन के रोल को लीड करने वाले एक्टर की, तो मनीष माधवा को पाकिस्तानी हेड आर्मी के रूप में दिखाया गया है, जिनका सनी देओल के साथ बहुत ही जबरदस्त युद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर बात करें इसी मूवी के कंफर्म रिलीज डेट के बारे में, तो यह मूवी आने वाले 11 अगस्त 2023 को इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस में जोर शोर के साथ धमाल मचाने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है सनी देओल की ये मच अवेंटेड न्यू अपकमिंग मूवी अगर रिलीज होती है तो इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस पर जोर शोर के साथ धमाल मचाएगी या नहीं मचाएगी? अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।